हे ईमान लाने वालों, यदि तुमने किताब वालों में से एक गिरोह की बात मान ली तो ये तुम्हारे ईमान के पश्चात तुम्हें काफिर बना देंगे। तुम्हारा कोई भला होता है तो उन्हें बुरा लगता है, और जब तुम पर कोई तकलीफ आ पड़ती है तो उससे ये प्रसन्न होते हैं, ताकि कुफ्र करने वालों के एक हिस्से को काट दे या उन्हें बुरी तरह परास्त और रुस्वा कर दे कि वे असफल होकर लौटे। तुम्हें इस मामले में कोई अधिकार नहीं है, चाहे वहाँ उन्हें माफ करे या उन्हें यातना में ग्रस्त करे, क्योंकि वे जालिम है। हाँ, यदि तुमने धैर्य से काम लिया और अवज्ञा से बचते रहे और वे तुम पर चढ़ आए, उसी क्षण तुम्हारा रब 5000 गारत कर देने वाले फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा, और अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए केवल शुभ सूचना बनाया और ताकि इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए, और सहायता तो अल्लाह ही के पास से आती है जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। सूरह आले इमरान आयत 90 से लेकर 129 तक। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। रहे वे लोग जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया, फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनकी तौबा कदापि स्वीकार नहीं होगी, और यही राह से भटके हुए लोग हैं। निसंदेह जिन लोगों ने कुफ्र किया और काफिर ही रहकर मर गए, तो उनमें से किसी से धरती भर भी सोना स्वीकार न किया जाएगा, चाहे वह जहन्नम से बचने के लिए बदले में इसे दे भी। उनके लिए दुखदायिनी यातना है और उनका कोई सहायक ना होगा। तुम नेकी और वफादारी के दर्जे को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी उन चीज़ों में से खर्च ना करो जो तुम्हें प्रिय है, और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे तो अल्लाह उसका जानने वाला है। खाने की सारी चीज़ें इसराइल की संतान के लिए वैध थी, उन चीज़ों के अतिरिक्त जिन्हें इसराइल ने तौरात के उतारे जाने के पूर्व अपने लिए अवैध कर लिया था। कहो, यदि तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो, तो जो इसके बाद भी अल्लाह के जिम्मे डालकर झूठ गड़े तो वही लोग जालिम हैं। कहो, अल्लाह ने सच कहा है तो इब्राहिम के पंथ का पालन करो, जो हर ओर से कटकर एक अल्लाह का हो गया था और मुशरिकों में से ना था। निसंदेह पहला घर काबा जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, सारे संसार के लिए बरकत और मार्गदर्शन का केंद्र है। वहाँ साफ निशानियाँ हैं, इब्राहिम का वास स्थान है, जिसने उसमें प्रवेश किया वहाँ निश्चिंत हुआ, और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं उस घर का हज करे, और जिसने कुफ्र किया तो अल्लाह सारे संसार से बेपरवाह है। कहो, हे किताब वालों, तुम अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो, जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह वह सब देख रहा है। कहो, हे किताब वालों, तुम क्यों ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग से रोकते हो? तुम उसमें बुराई पैदा करना चाहते हो जबकि तुम गवाह हो, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। हे ईमान लाने वालों, यदि तुमने इन किताब वालों में से एक गिरोह की बात मान ली तो ये तुम्हारे ईमान के पश्चात फिर तुम्हें काफिर बना देंगे, और अब तुम कुफ्र कैसे अपना सकते हो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जा रही है, और तुम्हारे बीच उसका रसूल मौजूद है, और जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ेगा तो वही है जो मार्ग पर लग गया। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो जैसा कि उससे डर रखने का हक है, और मरो तो इस दशा में कि तुम मुस्लिम हो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फूट में ना पड़ो, और अल्लाह की उस कृपा को याद करो जो उसने तुम पर की है। तुम एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ दिया, तो तुम उसकी कृपा से भाई भाई हो गए, और तुम आग के एक गड्ढे के बिल्कुल किनारे खड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को स्पष्ट करता है ताकि तुम मार्ग पालो, और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही वे लोग हैं जो सफलता प्राप्त करने वाले हैं, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनमें फूट पड़ गई, और इसके बाद कि उनके पास खुली दलीलें आ चुकी थी वे आपस में विभेद करने लगे, और वही है जिनके लिए बड़ी यातना है। जिस दिन कितने चेहरे उज्जवल होंगे और कितने चेहरे काले पड़ जाएंगे, जिनके मुँह काले पड़ जाएंगे उनसे कहा जाएगा, क्या अपने ईमान के बाद तुमने कुफ्र किया? तो जो कुफ्र तुम करते थे उसके बदले में यातना का मजा चखो। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे, वे अल्लाह की दयालुता की छाया में होंगे, उसी में सदैव रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम तुम्हें हक के साथ सुना रहे हैं, और अल्लाह दुनिया वालों पर कोई जुल्म करना नहीं चाहता, और जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है सब अल्लाह ही के लिए है, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं।
तुम उत्तम समुदाय हो जो लोगों में पैदा हुआ, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और यदि किताब वाले भी ईमान लाते तो उनके लिए अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी और उनके अधिकतर लोग अवज्ञाकारी है, सिवाय थोड़ा दुख पहुँचाने के वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यदि वे तुमसे युद्ध करेंगे तो तुम्हें पीठ दिखाएंगे, फिर उन्हें कहीं से सहायता भी ना मिल सकेगी। ये जहाँ भी पाए गए इन पर जिल्लत की मार ही पड़ी, कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के गजब में घिर चुके हैं, इन पर मोहताजी और मगलूबी पराजय मुसलत कर दी गई है, और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हुआ है कि ये अल्लाह की आयतों से इनकार करते रहे, और इन्होंने पैगंबरों को नाहक कत्ल किया। ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का अंजाम है। सब एक जैसे नहीं है, इन किताब वालों में एक गिरोह अपने वचन पर कायम है। ये रातों में अल्लाह की आयतें पढ़ते और सजदे करते हैं, अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और भलाई के कामों में अग्रसर रहते हैं, और ये अच्छे लोगों में से है, और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, और अल्लाह डर रखने वालों को भली भांति जानता है। रहे वे लोग जिन्होंने कुफ्र किया, तो अल्लाह के मुकाबिल ना उनके माल उनके कुछ काम आ सकेंगे और ना उनकी औलाद, और वे आग जहन्नम में जाने वाले हैं, वे उसी में सदैव रहेंगे। इस सांसारिक जीवन में जो कुछ भी वे खर्च करते हैं उसकी उपमा ऐसी है जैसे हवा हो जिसमें पाला हो और वहाँ उन लोगों की खेती पर चल जाए जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है और उसे विनष्ट करके रख दे, और अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये स्वयं अपने ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। हे ईमान लाने वालों, अपने ग्रह के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फायदा उठाने से नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से नुकसान पहुँचे वही उनको पसंद है, उनके दिल का द्वेष उनके मुंह से निकला पड़ता है, और जो कुछ वे अपने सीनों में छिपाए हुए हैं वो इससे बढ़कर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायत दे दी है, अगर तुम अकल वाले हो तो इनसे ताल्लुक रखने में सावधानी बरतोगे। तुम उनसे मोहब्बत करते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, हालांकि तुम सभी आसमानी किताबों को मानते हो। जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया है, मगर जब अलग होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ उनके गुस्से और गजब का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में आप जल मरो, अल्लाह दिलों के छिपे हुए राज तक जानता है। तुम्हारा कोई भला होता है तो उन्हें बुरा लगता है, और जब तुम पर कोई तकलीफ आ पड़ती है तो उससे ये प्रसन्न होते हैं, और यदि तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह का डर रखो तो इनकी चाल तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकती। ये जो कुछ कर रहे हैं निसंदेह अल्लाह उसे अपने घेरे में लिए हुए है। और याद करो जब तुम अपने घर से निकलकर ईमान वालों को लड़ाई के मोर्चों पर लगा रहे थे, याद करो जब तुम में से दो गिरोहों ने साहस छोड़ देना चाहा, जबकि अल्लाह उनका संरक्षक मित्र था, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए, और बद्र की लड़ाई में अल्लाह तुम्हारी मदद कर भी चुका था जबकि तुम बहुत कमजोर थे, तो अल्लाह का डर रखो ताकि तुम कृतज्ञता दिखा सको। याद करो जब तुम ईमान लाने वालों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए यह काफी नहीं है कि तुम्हारा रब 3,000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी सहायता करे। हाँ, यदि तुमने धैर्य से काम लिया और अवज्ञा से बचते रहे और वे तुम पर चढ़ आए, उसी क्षण तुम्हारा रब 5,000 गारत कर देने वाले फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा, और अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए केवल शुभ सूचना बनाया और ताकि इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए, और सहायता तो अल्लाह ही के पास से आती है जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है, ताकि कुफ्र करने वालों के एक हिस्से को काट दे या उन्हें बुरी तरह परास्त और रुस्वा कर दे कि वे असफल होकर लौटे। तुम्हें इस मामले में कोई अधिकार नहीं है, चाहे वहाँ उन्हें माफ करे या उन्हें यातना में ग्रस्त करे, क्योंकि वे जालिम है। और जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है सब अल्लाह का है, वह जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे यातना दे, और अल्लाह रहम करने वाला और दया करने वाला है।